हेलो नमस्कार, कृषि जागरण से मैं सुरेश कुमार कुशवाहा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों को कद्दू की फसल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बारिश के मौसम में कद्दू की जो डिमांड होती है वो बहुत अधिक होती है और जो उसका रेट होता है वो भी बहुत अधिक होता है। इसलिए अगर हमारे किसान भाई इस मौसम में, बारिश के मौसम में कद्दू की खेती करते हैं तो इससे बहुत भारी मुनाफा कमा सकते हैं। और सब्जी का जो राजा कद्दू माना गया है, खाने में बहुत ही अच्छा और विटामिन से भरपूर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कद्दू इसमें इस समय फल आना स्टार्ट हुआ है। जैसा कि ये कद्दू लगा हुआ भी है, फल लगा है, तो इसका जो भाव है बहुत ही अधिक दामों में बिकने वाला है। और इसको जो लगाने का तरीका है वो दूर दूर और पांतों में लगाया जाता है, जिससे कि क्योंकि बारिश के मौसम में कद्दू का जो पेड़ होता है वो बहुत अधिक जगह लेता है, तो इसलिए इसको अधिक दूरी पर लगाना चाहिए और अच्छे से देखरेख करनी चाहिए। कद्दू बहुत ही विटामिन से भरपूर है, कद्दू से काफ़ी प्रोडक्ट भी बनते हैं, कद्दू की सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी मानी गई है, विटामिन भी होती है, मिनरल्स भी होते हैं, आदि तत्व की मात्रा, आयरन भी होता है। तो हमारे किसान भाई अगर कद्दू की खेती कर अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं, इस समय 30 से 40 रुपए केजी कद्दू चल रहा है, जो कि एक अच्छा भाव माना जाता है। इस हिसाब से कद्दू का अच्छा रेट उठा सकते हैं। और इसमें कोई विशेष लागत भी नहीं लगती है, कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कद्दू की फसल बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें फल भी आ रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये फल लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे फल, प्यारे फल आए हुए हैं और एकदम हरा फल है। तो हमारे किसान भाई कद्दू की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।